फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज हम मजनू का टीला जा रहे हैं और हम ये पहुँचे हैं विधानसभा मेट्रो स्टेशन। सो यहाँ से उतर के अब हम ई रिक्शा ले लेंगे। बहुत सारे ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे कि 20 रुपीज़ पर पर्सन आपको मजनू का टीला पहुँचा देंगे। फिर हमने दो बंदे ई रिक्शा ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ई रिक्शा में जब भी आप चढ़ेंगे, अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो मैं आपसे कहूंगी कि आप मत चढ़िएगा। बिकॉज जिस तरह से ई रिक्शे ड्राइवर्स चलाते हैं, मेरी तो जान निकल गई है। ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, राइट लेफ्ट कहीं भी नहीं देखते हैं। इनका बस चले तो ये आपको ऊपर से भी उड़ा के ले जाए। मेरी तो बिल्कुल जान निकल गई थी और मैंने ये सोच लिया कि अब से मैं ई रिक्शा में बिल्कुल भी नहीं चढ़ूंगी। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं मजनू का टीला। विधानसभा मेट्रो स्टेशन से करीबन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। तो अभी ऑलराइट दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आज की ये जो ब्लॉग है, मैं बेसिकली मजनू का टीला मैं पहली बार जा रही हूँ और वहाँ क्या क्या मिलता है, कैसा होता है मेरा एक्सपीरियंस, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। सो आप लोग चलिए, बनते रहिए मेरे साथ और हम एक्सप्लोर करते हैं मजनू का टीला। सो मजनू का टीला जो है, जनरली लोग MKT भी बोलते हैं। ये दिल्ली में एक कॉलोनी है जहाँ पे यू नो टिबेटियन लोग आपको मिलेंगे मोस्टली। और ये इस्टेब्लिश हुआ था अराउंड 1950 यानी कि 1950 में। और ये जनरली अरुणा नगर के नाम से भी जाने जाते हैं और चूम टाउन या समयलिन भी बोलते हैं लोग। ये बेसिकली नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यमुना बैंक के, यमुना रिवर के बिल्कुल पास हैं, जो कि कश्मीरी गेट और ISBT भी आपको पास में ही मिलेंगे। तो जनरली जब भी लोगों को धर्मशाला या मैक्लोडगंज कहीं भी जानी होती है तो लोग यहाँ पे जनरली ये एक सेंटर, यहाँ पे एक बस का एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे आके भी लोग बोर्ड करते हैं। सो ये मैं आई और यहाँ पे कई सारे टिबेटियंस के आपको हैंडीक्राफ्ट्स मिल जाएंगे और कई सारे टिबेटियन फूड मिलेंगे। ड्रेसेस बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं और यहाँ के मोमोज और टिबेटियन कुजींस अगर आपको ट्राई करनी है, कोरियन कुजींस आपको ट्राई करनी है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ आना चाहिए। और यहाँ के जो लाफिंग है वो मोस्ट फेमस है, तो मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ। और यहाँ देखें, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। जनरली हम लोग यहाँ पे जो पहुँचे तो इट्स अराउंड 5:30 नाउ। सो काफ़ी लोग हैं और जैसे पहुँचे हमने सोचा कि हम यहाँ पे लाफिंग खाएंगे, स्पेशल लाफिंग। ये कैसे बनते हैं मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। बहुत ही भीड़ लगी हुई है, इसके 3-4 स्टॉल्स बने हुए हैं और हर स्टॉल्स में बहुत ही भीड़ है। तो ये इस तरह से कुछ बने हुए हैं। वैसे दोस्तों, MKT लिटिल टिबेट ऑफ दिल्ली से भी जाने जाते हैं। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी टिबेटियंस हैं, बेसिकली वो लोग टिबेटियन रेफ्यूजीज हैं, काफ़ी प्यारे लोग हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं। जो भी आपको सामान मिलेंगे, एक्सपेंसिव हैं थोड़ा सा, लेकिन आपको बार्गेन करना पड़ता है। और जितने भी ड्रेसेस की अगर हम बात करें तो ड्रेसेस के क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जो भी चीज़ें देखेंगे, आपको सारे चीज़ें लेने की मन करेंगे। और खाने की बात करें तो खाने की बात ही कुछ और अलग है। तो यहाँ भी डोलमा रेस्टोरेंट है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम डोलमा रेस्टोरेंट के मोमो ट्राई करें।
वैसे मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि यहाँ जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा, खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं यहाँ पहली बार आके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेक श्योर आप लोग जब यहाँ पे आए तो थोड़ा सा अच्छे से टाइम लेके आइएगा, बिकॉज़ ये एक दो घंटे में कवर करने वाली जगह नहीं है। मिनिमम 5 आवर्स लगेंगे आपको, और आप जब भी आएँ तो कंफर्टेबल शूज़ या कंफर्टेबल चप्पल पहन के आइएगा, बिकॉज़ बहुत गली गलियाँ हैं, बहुत आपको चलने पड़ेंगे। यहाँ बहुत सारे खाने के ऑप्शंस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आप कहीं भी जाएंगे सारे रेस्टोरेंट्स आपको बहुत ही पैक्ड नज़र आएंगे। और यहाँ पे ATM बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपको कुछ ख़रीदना हो तो आप कैश भी ज़रूर लिएगा, बिकॉज़ हर जगह पेटीएम या गूगल पे नहीं चलता है अदर देन द रेस्टोरेंट। और बाकी आप मज़े ले सकते हो। ये एक रूफ स्काई रेस्टोरेंट था दैट वी केम अक्रॉस, एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। यहाँ हम गए थे, हमें 10 मिनट के लिए वेट करने के लिए बोला गया, फिर हम नहीं वेट कर पाए बिकॉज इट वॉज़ ऑलरेडी लेट। फिर हम वहाँ से आए, लेकिन यहाँ से व्यू इज़ ऑसम। अगर आप लोग जाते हो तो ये रूफ स्काई रेस्टोरेंट में आप जरूर जाइएगा। आई मिस्ड इट, नेक्स्ट टाइम मे बी हम एक्सप्लोर करें। फिर ऑलरेडी रात हो चुकी थी, 9 बज चुके थे, फिर हम वहाँ से चल पड़े और ये हम आ गए दिल्ली एक्सप्लोर करके, एंड दिस ट्रिप वॉज अमेजिंग। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग, थैंक यू।